शर्मा जी जो दबाव में काम नहीं करता मेरी पूरी बात सुनिए, आप चुप रहोगे, आप मैं चुप रहूंगा, चुप लेता बिल्कुल, एक मिनट बोलो, बात आएगी अधिकारों की, जब बात आएगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा, आप पूरी बात करो, मेरी बात करो, आप जाओ, मैं पूरे हरियाणा में गारंटी करता हूँ एक ईओ ऐसा हूँ मैं पूरे हरियाणा में जिसने आज तक एक इंच जमीन पे कब्जा नहीं होने दिया सरकारी जमीन पे। मैं चैलेंज करता हूँ आपको इस हाउस के बीच में, आप मेरा एक इंच का कब्जा दिखा दे पूरी लाइफ के अंदर, जितना मैंने कब्जे हटवाए है ना बदमाशों के सामने हटवाए, रात में 3 करोड़ की जमीन बचाई थी कोई एक मिनट पूरी बात सुनिए, आप जिस टाइम मैं हटाने जाता हूँ अपने जाता हूँ प्रोग्राम बना के जाता हूँ, या तो मुझे बताए जी मैं नहीं आ पाऊंगा, या मुझे बता दे जी कोई काम हो गया रुक जाओ, ये थोड़ी है मेरा फोन भी ना उठाए मुझे बताए भी ना, और मैं क्या करूं, मैं छुपा गया वापस आ गया इसके आप नहीं थे कोई बात नहीं, दोबारा प्रोग्राम बनाएंगे, दोबारा ये बात असली बात यही है, दोबारा का प्रोग्राम रखा है इसका 2-4 दिन का टाइम रखो, जमीन पे कब्जा जो आज मामला आया है उसके लिए हम पहले जांच कराएंगे कि ये जमीन कमेटी की है, यदि हुई तो उसमें हम जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है पीपी एक्ट में केस दर्ज केस डालेंगे और जमीन को छुड़वाएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। आज मुख्यतः 4 एजेंडे थे जिसमें सबसे मेन था कॉलोनियों को रेगुलाइज करने का और फाइनेंस कमेटी बनाने का, उनके सब पे जहाँ तक कॉलोनियों की बात है हम 33 कॉलोनी पहले भेज चुके हैं सरकार को, बकाया जो कॉलोनियाँ रहती थी उस पर हाउस ने सदन ने हाँ कर दी है, बाकियों का भी हम जल्दी नियमानुसार सर्वे करवा के सरकार को भेज देंगे ताकि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनका बेनिफिट मिले। PMAY के बारे में आज मुझे शिकायत मिली है, हालांकि मैं पिछले 2 साल से यहाँ हूँ, कहीं कोई पहले कोई ऐसी शिकायत नहीं थी, लास्ट ईयर कम से कम 70 से 80 मकानों तक मैं भी खुद गया था और लोगों से खुद मिला था, लगभग 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, उसके बाद दोबारा मैं नहीं जा पाया, उस वक्त तक ये शिकायत नहीं थी, अब ये शिकायत आई है, बड़ा गंभीर मामला है और मैंने उनको ये कहा है कि आप एफिडेविट दें उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सबसे सख्त कार्रवाई कर रहा हूँ। लाइफ इंस्पेक्टर पर आपने उंगली उठाई थी कि किसी राजनेता की गोदी में खेल रहे, कौन वो राजनेता है और सारे पार्षद ने देखो राजनेता की गोदी में तो जितने 31 पार्षद हैं, लाइट इंस्पेक्टर छोड़ो हम भी किसी ना किसी की गोदी में खेलना, गोदी में तो कोई ना कोई किसी खेले तो राजनीति है, क्योंकि थोड़ा सा पार्षदों की खींचतान आपस में हो रही थी, बीच में कहना भी पड़ता है, बीच में कहना पड़ता है थोड़ा ठंडा करने के लिए, भाई तो जिसकी मरोड़ पे कूदन लग रहे हैं ना वो हमने पता है, हो सकता है जिसकी मरोड़ पे कूदे वहाँ भी उसकी मरोड़ खत्म होगी हो, ठीक है नहीं बात है, तो मैं इसलिए कहता हूँ वो भी हमारा भाई है लाइट इंस्पेक्टर, हमने कुछ से द्वेष नहीं है, जब एक 10-12 पार्षद शिकायत करने लग रहे हैं कुछ तो सच्चाई होगी, फिर तो पार्षद सच्चे हैं, तो लाइट इंस्पेक्टर को अपने आप में सुधार करना चाहिए और पार्षदों की बात सुननी चाहिए, और बात सुनो अगर लाइट इंस्पेक्टर बात नहीं सुनेगा अगली मीटिंग आएगा MC लिख देंगे उसके खिलाफ, लाइट इंस्पेक्टर हम और रख लेंगे, ये पार्षदों की पावर है। तो राजनेता कौन सी पार्टी का, कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी का? नेता तो सारी ये पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, नेता तो नेता ही है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उस नेता ने मेरा क्या बिगाड़ा है, हो सकता है उस नेता के साथ भी मेरी दोस्ती हो।